हेलो दोस्तों, आपका फिर से एक बार स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है लर्निंग विद हर्षद। दोस्तों, मैं स्कूटी सिखाने के ट्यूशन देता हूँ और बाइक भी सिखाता हूँ। तो आज हमारे यूट्यूब का वीडियो देख के ये मैडम है जो आज हमारे पास आई है, ये हमारे पास हमारा वीडियो देख के स्कूटी सीखने के लिए आई है। मैडम, इससे पहले आपने स्कूटी या साइकिल कभी चलाया है? साइकिल चलाई है और स्कूटी फ्रेंड के साथ ट्राई की है। अच्छा, ये मैडम ने इससे पहले साइकिल चलाई है, मतलब इनको प्रॉपर साइकिल चलाना आता है, और एक बार फ्रेंड्स के साथ उन्होंने स्कूटी भी चलाया था। तो इनको अभी बैलेंस करने के लिए आसानी होगी, तो हम इनको ज़्यादा कुछ बताएंगे नहीं, इनको बेसिक से मेन रोड तक स्कूटी कैसे चलाते ये सिखाना स्टार्ट कर देंगे। चलिए। तो आकांक्षा मैडम, ये हमारा होंडा का एक्टिवा है, इसमें जो भी कंट्रोल बटन रहता है, एक्सेलेटर रहता है, रेस रहता है, ब्रेक रहता है, इसके बारे में आपको थोड़ी जानकारी है क्या? मतलब आपको कुछ इसके बारे में जानकारी है? हाँ, मैंने अपनी वीडियो में देखा था ना, थोड़ी सी जानकारी है। अच्छा, मैडम कह रही है कि इन्होंने हमारा जो पिछला वीडियो देखा था उसमें उनको कंट्रोल बटन और एक्सेलेटर ब्रेक के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी है, पर हम इनको पहले से स्टार्ट से बताएंगे कि क्या मतलब इसका कैसे कंट्रोल बटन है, कैसे उनको इस्तेमाल करना है। तो सबसे पहले जो अगर मैडम यहाँ पे देखे जाएंगे ना, तो ये लाल वाला जो है ये हमारे गाड़ी का स्टार्टर है, इससे हमारा गाड़ी स्टार्ट होगा। हम जब भी चाबी ऑन करेंगे तो हमारा गाड़ी का स्टार्टर दबाएंगे तो हमारा गाड़ी स्टार्ट होगा। और इसके बाद आता है लेफ्ट साइड में हमारा सबसे नीचे आता है हॉर्न, और उसके बाद हमारा सिग्नल लाइट आता है, और उसके ऊपर हमारा लाइट का बटन आता है। और राइट हैंड साइड में ये जो घूमते हुआ देखेंगे ये हमारा एक्सेलेटर है, ये रेस सिस्टम है। जब भी आप इसे पीछे करोगे तो आपका गाड़ी आगे भागते जाएगा, मतलब आगे हो जाएगा। और हमारे ये दोनों हाथों में जो दिए, ये एक आगे का ब्रेक है और एक पीछे का ब्रेक है। लेफ्ट हैंड साइड में अगर देखेंगे तो ये हमारा जो ब्रेक है ये हमारा पीछे का ब्रेक है, इससे हमारा गाड़ी का पीछे का चक्का रुकेगा। और राइट हैंड साइड में है ये हमारा आगे का ब्रेक है। पर हम जब भी गाड़ी सीखेंगे तो उस टाइम हमें ध्यान रखना है कि हमें पीछे का ब्रेक दबाना है, उससे गाड़ी हमारा जल्दी कंट्रोल आएगा। सबसे पहले जब मैं आपको सिखाऊंगा तो मैं आपको गाड़ी स्टार्ट करके सिखाऊंगा नहीं, सबसे पहले तो मैं आपका चेक करूंगा आप कितना बैलेंस कर पाते हो, और इसके बाद हम आगे के स्टेप में बढ़ेंगे। मैं आपको दो तीन स्टेप में बताऊंगा कि आपको क्या प्रैक्टिस करनी है। चलिए हम प्रैक्टिस करना स्टार्ट करते हैं। तो आकांक्षा जी, मैं अभी बता देता हूँ कि आपको गाड़ी को कैसे हैंडल करना है और आप गाड़ी का वेट कैसे संभाल लेते हैं, ये इसका प्रैक्टिस कैसे करना है ये मैं अभी आपको सिखा देता हूँ। तो सबसे पहले तो हमारा गाड़ी जब सिंगल स्टैंड पे लगा रहेगा, आपको इसको उठा के दोनों पैरों पे बैलेंस कर लेना है। आप इसको दोनों पैरों पे बैलेंस करने के बाद आपको गाड़ी स्टार्ट नहीं करने के, गाड़ी स्टार्ट नहीं करेंगे आप, गाड़ी का चाबी बंद ही रहेगा, आप धीरे धीरे खुद से ही धक्का मारना। और अगर आपसे गाड़ी आगे नहीं जाता तो किसी आपके भाई को, या अभी तो मैं आपको करके दिखाऊंगा, जब भी आप घर पे प्रैक्टिस करोगे तो आपके साथ किसी और को लेना और उनके साथ ही प्रैक्टिस करना। अभी देखो, हम खुद से धक्का मारेंगे गाड़ी को, खुद के पैरों से चलाएंगे इसको। तो यही स्टेप आपको भी फॉलो करना है, तो आपका इससे क्या होगा कि आपको गाड़ी का वेट है ये संभालने में आसानी पड़ेगी और आपको गाड़ी कंट्रोल भी होगा। और यही चीज़ देखो, मैं अभी कैसे चला रहा हूँ, ऐसे आपको एक राउंड, दो राउंड या तीन राउंड ऐसे खुद से मारने का है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। और दूसरा बात, जब इसके बाद वाला स्टेप आता है कि यहाँ पे आपको ब्रेक कैसे कंट्रोल करना है, आपको कोई अगर पीछे से धक्का देता रहेगा तो, मतलब अगर आपके साथ आपका भाई है या कोई और भी है वो आपको पीछे से जब धक्का देंगे तो आपको ब्रेक को कंट्रोल कैसे करना है, थोड़ा सा आगे जाने के बाद स्टेप ऐसे ब्रेक मारना है। मैं आपको पीछे से धक्का देता हूँ और खुद से भी प्रैक्टिस करने के लिए बोल देता हूँ, तो आप भी ये चीज़ फॉलो कर देना, ठीक है? आप आ जाइए, गाड़ी पर बैठ जाइए। सबसे पहले तो ना आप आपके खुद के पैरों से इसे धक्का मारना, तो आपका मतलब पैरों पे बैलेंस हो जाएगा। आज ये धक्का मारना मतलब चलाना चालू कर दीजिए, गाड़ी स्टार्ट नहीं करना है हमें। जब आप सीखते टाइम है ना, आपको ये चीज़ डेली प्रैक्टिस करनी है, मतलब एक दो दिन आप प्रैक्टिस करोगे तो आपका आसानी से हो जाएगा। ओके, ब्रेक मारना। अच्छा, सेम चीज़ आपको प्रैक्टिस करना है। आ जाइए, मैं आपको पीछे से धक्का देता हूँ तो आपको ब्रेक मार मार के गाड़ी को रुकाना है, मतलब जब भी मैं बोलूँगा आपको ब्रेक मारना है उस टाइम आपको ब्रेक मारने का। मैं आपको धक्का दे रहा हूँ, ज़्यादा घबराना नहीं है, और हमें पीछे का ही ब्रेक इस्तेमाल करना है। मैं धक्का दे रहा हूँ, ब्रेक मारिए, हाँ एकदम बराबर, वापस से धक्का छोड़िए, ब्रेक ब्रेक छोड़िए, ब्रेक ब्रेक छोड़िए, ब्रेक ब्रेक। तो ये देखिए, यही सेम चीज़ है,
ये मैंने हमने अभी ये आपको करके दिखाया है, इससे आपको दो चीज़ें होगी, एक तो आपका गाड़ी पे मतलब आपका जो गाड़ी का वेट है ये कंट्रोल होने के लिए आसानी रहेगी और आपका ब्रेक पे कंट्रोल आ जाएगा। तो हमें सबसे ज़्यादा यहाँ पे दो तीन चीज़ें ही जरूरी होती है, एक तो हमारा बैलेंस, गाड़ी का वेट, इसके बाद ब्रेक पे कंट्रोल और तीसरा होता है एक्सेलेटर पे कंट्रोल। तो मैंने अभी आपको ब्रेक पे कैसे कंट्रोल करते हैं और आपका मतलब गाड़ी का वेट कैसे कंट्रोल करते हैं, कैसे उठाते हैं गाड़ी को और बैलेंस कैसे करते हैं, ये इसका क्या प्रैक्टिस करना है ये सिखा दिया है। इसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि एक्सेलेटर का जो कंट्रोल है उसे कैसे कंट्रोल करते हैं, ये भी मैं आपको एक बार करके दिखाऊंगा और आपको भी ये प्रैक्टिस करने के लिए दे दूंगा। सेम प्रैक्टिस आपको आज के दिन में करनी है। आज ये मुझे गाड़ी का स्टैंड निकाल के मुझे गाड़ी दे दीजिए। चलिए, तो हमने अभी मैडम को दो स्टेप तो बता दिए कि गाड़ी को कैसे उठाते हैं और गाड़ी का ब्रेक कैसे कंट्रोल करते हैं। अब हम मैडम को तीसरे स्टेप में लेके जाएंगे, जिसमें हम आपको अभी बता देंगे कि एक्सेलेटर मतलब ये जो हमारा रेस सिस्टम है इसे कैसे कंट्रोल करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो मैडम हमारा गाड़ी जो होता है वो बंद है, तो बंद है ना, तो हम सबसे पहले हम गाड़ी को चाबी से ऑन करेंगे, यहाँ पे हमारा ऑन का सिग्नल आ जाएगा, उसके बाद हम इसको ब्रेक मारेंगे और स्टार्टर से गाड़ी स्टार्ट कर देंगे। इससे सबसे पहले आपको ये चीज़ ध्यान रखना है, ये जो हमारा एक्सेलेटर है ये बहुत ही मतलब कैसे इसको मतलब आराम से इस्तेमाल करना है। इसको अगर हम एक झटके से देते हैं तो हमारा गाड़ी आगे बढ़ के हमारा बैलेंस बिगड़ जा सकता है, तो हमारे सेफ्टी में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकता है, हम गिर भी सकते हैं इससे। तो इसको थोड़ा सा आपको ध्यान से इस्तेमाल करना है। चलो मैं आपको अभी चला के दिखा देता हूँ और आपको क्या स्टेप फॉलो करना है। हमें छोटे छोटे कदम लेने, ज़्यादा दूर तक नहीं लेके जाना है, छोटे छोटे कदम पे हम इसको ब्रेक मारेंगे। तो मैंने देखो अभी मेरा सबसे पहले तो मैंने गाड़ी स्टार्ट कर दिया है, मैंने ब्रेक पे सिर्फ हाथ रखा है, थोड़ा सा लेके जाऊँगा ब्रेक मारूंगा, थोड़ा सा लेके जाएंगे ब्रेक मारेंगे, थोड़ा सा लेके जाएंगे ब्रेक मारेंगे। हम पैरों को ऊपर नहीं ले रहे, हम पैरों को नीचे की तरफ देख रहे हैं। इसके कैसे कि हमारा जब भी हम ब्रेक मारेंगे तो हमारा बैलेंस होना चाहिए, इसलिए हम पैरों को ऊपर नहीं लिए। थोड़ा सा हम ब्रेक मारेंगे, गाड़ी रोक देंगे, रेस देंगे ब्रेक मारेंगे, रेस देंगे ब्रेक मारेंगे, ब्रेक करेंगे ब्रेक मारेंगे, ब्रेक करेंगे ब्रेक मारेंगे। तो ये चीज़ आपको भी अभी मतलब बिना घबराए और बिना पैनिक हुए आपको भी सेम चीज़ प्रैक्टिस करनी है। तो आ जाइए, आप खुद गाड़ी पे बैठी है और खुद से प्रैक्टिस करके दिखाइए हमें। आपको सबसे पहले तो घबराना नहीं है, और कुछ भी अगर आपको लगता है कि प्रॉब्लम हो रहा है तो सबसे पहले आपको पीछे का ब्रेक दबाना है और एक्सेलेटर देना बंद करना है। एक्सेलेटर दे के पीछे का ब्रेक नहीं दबाना है, जब भी आप ब्रेक दबाएंगे तो एक्सेलेटर नहीं देना है आपको, जो रेस सिस्टम है। मैडम ने इससे पहले भी गाड़ी चलाने का कोशिश किया था, इसके लिए इनको एक्सेलेटर और ब्रेक के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी है, तो ये कंट्रोल कर सकती है, इसलिए मैंने इनको मतलब छोटे छोटे स्टेप के लिए पहले दिन ही रेडी कर दिया है। तो मैडम मैंने जो आपको बताया था वो फॉलो करना। सबसे पहले तो आप गाड़ी को अच्छी तरह से बैलेंस करने देना अपने दोनों पैरों पर आपको, और उसके बाद गाड़ी का चाबी ऑन करके गाड़ी का स्टार्टर मारना है। स्टार्टर मारते समय आपको ब्रेक दबाना पड़ेगा, इसके बाद गाड़ी स्टार्ट होगा। देखिए, पूरा दबाइए स्टार्टर को आराम से, आपको एक्सेलेटर ठीक छोड़ दो, अभी स्टार्ट किया छोड़ दो, अभी चलाना मत। आपको लग रहा है ना मतलब ऐसे डर तो नहीं लग रहा है ना, ठीक है, तो आप चलाना स्टार्ट कीजिए। ब्रेक को पूरी तरह से दबाना नहीं है, ब्रेक को सिर्फ फ्री रखना और एक्सेलेटर देना और ब्रेक मारना, जैसे मैं आपको बोलूँगा वैसे ही फॉलो करना। थोड़ा सा एक्सेलेटर दीजिए, थोड़ा सा एकदम हल्का सा एक्सेलेटर दीजिए, ब्रेक मारिए, एक्सेलेटर छोड़िए, ब्रेक मारिए। एक्सेलेटर देके नहीं रखना है, एक्सेलेटर देने के बाद एक्सेलेटर को कम कर देना है। एक्सेलेटर दीजिए, ब्रेक मारिए, हाँ थोड़ा थोड़ा सा, यही सेम चीज़ सेम स्टेप आपको फॉलो करना है। आ गया ये, ब्रेक मारिए, बड़े बड़े कदम लीजिए, ब्रेक मारिए, एक्सेलेटर कम कीजिए, आगे ये, ब्रेक मारिए, एक्सेलेटर एक्सेलेटर पे थोड़ा सा कंट्रोल रखना। देखो जब भी आप गाड़ी चलाओगे तो उस टाइम आपको एक्सेलेटर देख के नहीं रखना है, जब आपको ब्रेक मारने के उस टाइम आपको एक्सेलेटर बंद कर देना है। चलाइए, सेम चीज़ आपको फॉलो करना है, एक्सेलेटर दीजिए चलाइए। ऐसे ही जब तक आप सीखते रहोगे तब तक सेम प्रैक्टिस आपको करना है। फिर से एक बार कीजिए, ब्रेक, एक्सेलेटर, ब्रेक, एक्सेलेटर, ब्रेक, एक्सेलेटर, ब्रेक, एक्सेलेटर, ब्रेक, एक्सेलेटर, ब्रेक। अच्छा, बस अभी आप गाड़ी का चाबी बंद कीजिए और गाड़ी को सिंगल स्टैंड पर लगाइए। तो मैडम को हमें जो तीसरी चीज़ रहती है जो प्रैक्टिस करना है, ये भी यहाँ पे बता दिया है कि क्या हमें प्रैक्टिस करना है। तो
आपको भी सेम चीज प्रैक्टिस करना है, आप हमारे साथ हो तो आप अभी भी यही प्रैक्टिस करना, और जब भी आप आपके घर वालों के साथ रहेंगे, आपके भाई के साथ, आपके दोस्तों के साथ, वही टाइम पे आपको जो मैंने तीन चीजें बोली है, जो आपको गाड़ी कंट्रोल और एक्सेलेटर और ब्रेक पे कंट्रोल करना सिखा दिया है, ये चीज आपको भी घर पे भी फॉलो करना है किसी ऐसे के साथ जिसे पहले से स्कूटी चलाना आता हो, तो आप सेफली ड्राइव करना और आप 10 से 15 दिन के अंदर अच्छी तरह से ऑन रोड पे मेन रोड पे गाड़ी चलाना सीख जाओगे। अभी मैडम को हमने फर्स्ट सेकंड थर्ड स्टेप सिखाई है, एक घंटे तक हमने मैडम के साथ प्रैक्टिस भी की है। मैडम आप जब भी घर पे जाओगे और किसी के साथ भी सीखोगे उस टाइम आप सेम प्रैक्टिस करना और सेम जो मैंने आपको दो तीन स्टेप बताए उसे आप फॉलो करना, तो आप भी आसानी से सीख जाओगे और बहुत ही जल्दी सीख जाओगे, आपका कॉन्फिडेंट लेवल भी इससे बढ़ जाएगा। तो ऐसी नई नई वीडियो के लिए मेरे साथ जुड़े रहने के लिए मेरे वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, और आपको भी स्कूटी सीखना है मेरे चैनल को पहले तो सब्सक्राइब करना, और मेरा इंस्टाग्राम आईडी मैंने नीचे मेंशन कर दिया है, वहाँ पे मुझे मैसेज कर देना। धन्यवाद।